तो आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक ए मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, और आपने शो करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई आई प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए पावर एन माइनस वन इंटू वी इंटू ए, वेयर स्मॉल ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट, और जो कैपिटल ए है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो आई है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है, 2। ठीक है, तो आपने शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल एन बिलोंग टू जेड, जितने भी इंटीजर्स हैं उनके लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन। किसी फार्मूले को आपने प्रूव करना हो तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है, तो वहाँ से हम उस जो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी होती है उसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे आपने प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मेथड हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें बेटा 3 स्टेप होते हैं, अगर आपको याद हो तो उसमें स्टेप 1 होता है कि आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, और स्टेप 2 होता है कि आपने अज्यूम करना है कोई नंबर के लिए, हमने अज्यूम करना है कि k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, और थर्ड स्टेप होता है कि हमने प्रूव करना है k+1 के लिए, ये बेटा प्रूव करना है, ये भी आपने प्रूव करना है, और सेकंड जो है वो आपने अज्यूम करना है। तो हमने अब इन 3 स्टेप को फॉलो करके इस जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें ये एक स्टेटमेंट दी है मैथमेटिकल, इसे हमने प्रूव करना है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है कि ए और आई डिफाइन किया है, वो आपने ध्यान रखना है कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप ले लेते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो मैं 1 के लिए इसको प्रूव करना है, 1 के लिए प्रूव करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो आपने सिंपली जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 1 से रिप्लेस कर देना है, तो ए मल्टीप्लाई बाई आई प्लस बी मल्टीप्लाई ए पावर आ गया 1 इज इक्वल टू ए पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए पावर 1 माइनस 1 इंटू वी इंटू ए। तो ये आ गया ए आई प्लस बी ए आई प्लस ए की पावर बेटा 0 दैट इज 1, और ये बनेगा बी ए। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है, एन के एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने अज्यूम करना है, अज्यूम दैट जो रिजल्ट आपका, ये जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड राइट, आपने मान लेना कि जो ट्रू है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां आपने के लिख देना है। तो मेरे पास आ गया जी ए आई बी ए पावर के इज इक्वल टू ए पावर के आई प्लस के इंटू ए पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। तो ये आपने अज्यूम किया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अब आपने प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एन की वैल्यू, तो थर्ड स्टेप है कि अब आपने प्रूव करना है k+1 के लिए। तो k+1 के लिए प्रूव कैसे करते हैं हम, देखो टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू k+1, तो कैसे करें,
हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेना, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और एन की जगह क्या लिख देते हैं, के प्लस वन। और फिर हमने यहाँ से राइट हैंड साइड निकालना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसे सॉल्व करके अगर मेरा राइट हैंड साइड आ जाता है, मीन कि ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने लिया के की पावर, सॉरी इस जो मेरे पास टर्म है उसकी पावर कितनी आ गई, मतलब एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। पावर के प्लस वन, बेस मैंने अलग अलग कर दिए और पावर अलग अलग कर दी, के पावर अलग होगी, वन पावर अलग होगी। आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, तो मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखिए, क्या इसकी वैल्यू आपने फाइंड की है, ये देखो ए आई प्लस बी ए पावर के की वैल्यू आपके पास ही है, आपने मान, आपने माना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ए पावर के आई प्लस के इंटू ए पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए, और ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे है ए आई बी ए, ठीक है, वन पावर है तो वन का मिल वन टाइम। अब हम, हमारा अगला काम है मल्टीप्लाई, आपने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान देना है, मैं इस टर्म को ले रहा हूँ और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, ए पावर के इंटू आई इंटू ए इंटू आई, ठीक है। फिर दोबारा से मैं इसी को ले रहा हूँ और इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ए पावर के इंटू आई इंटू बी इंटू ए प्लस, फिर सेकेंड टर्म ले रहा हूँ, सेकेंड टर्म में एक दो तीन चार टर्म्स हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। पहले लिख रहा ए के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी इंटू ए और ए इंटू आई, फिर प्लस, फिर अगेन मैं ये वाले टर्म ले रहा हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आपका स्टेप कंप्लीट है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान देना है, ए की पावर के और ए की पावर दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लाई होने हैं, तो क्या पावर मैं ए की पावर के प्लस वन लिख सकता हूँ, आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर। आगे देखिए प्लस, इसे एज इट इज लिखें ए के आई बी ए, इसमें इसे भी थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, देखो चेंज कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, आई मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, के ए पावर के माइनस वन और ये क्या है ए, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे के आ जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, आगे बी आगे ए इंटू आई, आई मतलब वन नहीं है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ऑर्डर है इसके, और इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, हमने इसे सॉल्व करना है बेटा, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, ये हमारा मैट्रिक्स का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं साफ करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो आई स्क्वेयर आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो मैट्रिक्स मिलती है, चाहे आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करें
आई डॉट ए मतलब आई मल्टीप्लाई बाई एनी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स ही मिलेगी। यहाँ पहले मैट्रिक्स ले लो फिर आप डेंटली मल्टीप्लाई करो तो आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हमें फाइंड करना है, तो ए मल्टीप्लाई ए, तो ए स्क्वेयर फाइंड कर लेते हैं। 0 1 0 और 0 1 0, तो क्या आंसर आया? 0 को 0 से किया, 0 1 को 0 ऐसे ही करते ना, मैंने बोला एरर को तोड़ दो, 0 1 0 0, फिर फर्स्ट रो ही रहेगी सेकंड कॉलम, 0 1 1 0 0 0 0 0 1 + 0 0, तो मेरे पास क्या आ गया? तो हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे, तो यहाँ पे क्या है ए पावर के प्लस 1 और आई स्क्वेयर आई प्लस ए पावर के इंटू बी और आई इंटू ए के इंटू ए पावर के बी ए इंटू आई ए प्लस ये आएगा ये 0 सारी टर्म 0। ठीक है, ओके फाइनल देखें, ए पावर के प्लस 1 इंटू आई। अब इन दोनों को देखें, ये और ये दोनों सेम है, क्या इसे कॉमन ले सकते हैं? तो k प्लस 1 आ गया a पावर k इंटू बी इंटू ए, और क्या ये राइट हैंड साइड है? a की पावर क्या है? n, आपने रिप्लेस करना है k से, a की पावर क्या बन गई? i का i प्लस आगे क्या है n, n किससे रिप्लेस हो गया? a की पावर n माइनस 1, तो k आ गया, k प्लस 1 माइनस लिख सकते हैं इंटू वी इंटू ए। इसका मतलब ये होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो ट्रू हो गया k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया। तो हमारे तीनों स्टेप आ गए, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू एंटीजर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन लिया, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 3 - 4 - 1 - 1, और आपने प्रूव करना है कि ए पावर एन इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 + 2n - 4n, और सेकेंड रो में है एन 1 - 2n, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव एंटीजर। तो हमने सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, तो हमारे पास पहला स्टेप है कि आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमने इसमें पुट करना है, क्योंकि हमने इसे प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a पावर, और यहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने 1 लिख देना है, तो 2 × 1 बेटा -4 × 1 1 - 2 × 1, और सॉल्व करके देखें 3 - 4 1 - 1, और क्या ये a है? आपको a गिवन है, तो a में जो एलिमेंट है वो सेम आ गए, अगर सेम आए हैं तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमने सेकेंड स्टेप क्या लेना है कि हमने अज्यूम करना है कि ये एक k कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये ट्रू है, मतलब हमने अज्यूम कर लेना, मान लेना है। तो अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k, तो मेरे पास आएगा a पावर k, और यह बन जाएगा 1 + 2k - 4k - 1 - 2k। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि हमने प्रूव करना है, टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या करना है देखो, नाउ a पावर लेनी k प्लस 1, ध्यान दे,
क्योंकि हमने a और n किससे रिप्लेस करना अब k प्लस वन से, तो दोनों तरफ क्या आना चाहिए, यहाँ k प्लस वन, यहाँ k प्लस, यहाँ k प्लस वन, यहाँ k प्लस वन, और यहाँ पे k प्लस आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड से लेके मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा। प्रूव क्या करना है कि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k प्लस वन आएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिया a की पावर k प्लस वन, क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, a पावर k इंटू a, ठीक है। आपके पास a की पावर k की वैल्यू है, ये देखो आपने ज़ूम किया, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते वन प्लस टू के माइनस फोर के, के वन माइनस टू के, और मल्टीप्लाई बाई a, a आपको गिवन है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना आपने। तो थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सभी ध्यान दें, ये बन गया थ्री प्लस सिक्स के, फिर माइनस फोर के को वन से करूँगा मल्टीप्लाई, तो माइनस फोर के, फिर रो फर्स्ट ही रहने दूंगा और कॉलम मेरे पास सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या मैं इसे माइनस फोर माइनस एट के लिख सकता हूँ, माइनस फोर के को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना प्लस फोर के लिख सकता हूँ। अब सेकंड रो लेते हैं, के को थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, फिर रो आपकी सेकंड रहेगी लेकिन कॉलम अब सेकंड है, तो के को माइनस फोर से और वन माइनस टू के को माइनस वन से, तो माइनस वन प्लस टू के, तो आप इसे लिख लें, यहाँ लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ गया a पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दें, हाँ जी, थ्री एज इट इज, सिक्स के में से फोर के चला गया प्लस टू के, यहाँ पे ध्यान दें माइनस फोर माइनस फोर के, एट के में से फोर के चला गया। नेक्स्ट देखें, थ्री के में से टू के चला गया के प्लस वन, माइनस फोर के प्लस टू के, तो कितना आ गया माइनस टू के और माइनस वन, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। लेकिन अभी ये देखने पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, देखो कैसे, थोड़ा ध्यान देना इधर, थ्री प्लस टू के को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टू इंटू के प्लस वन, चेक करें, टू के प्लस टू, टू के प्लस थ्री बन जाएगा, टू के प्लस थ्री बन गया। फिर आगे इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस फोर के प्लस वन, माइनस फोर मैंने मल्टीपल कॉमन ले लिया। नेक्स्ट देखें, ये के प्लस वन एज इट इज़, ये देखें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस टू इंटू के प्लस वन, करके देखो सॉल्व, वन माइनस टू के माइनस टू, तो वन माइनस टू के आ जाएगा, वन माइनस टू के माइनस वन, तो ये मेरे पास अब ट्रू हो गया, तो इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू, देखो इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा a की पावर k प्लस वन, एन किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ वन है प्लस टू और n किससे रिप्लेस है माइनस फोर के प्लस वन, यहाँ पे n है तो k प्लस वन, वन माइनस टू इंटू के प्लस वन, तो मेरा जो ये रिजल्ट है वो किससे रिप्लेस होना चाहिए था, k प्लस वन से रिप्लेस होना चाहिए, हो गया रिप्लेस, इट मीन कि ये ट्रू है k प्लस वन के लिए, तो तीनों के लिए ट्रू हो गया, वन के लिए ट्रू हो गया, k के लिए ज्यूम कर लिया, k प्लस वन के लिए आपने ट्रू कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नोट कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में भी था, कि a एक मैट्रिक्स गिवन है 3 1 1 माइनस 2, और आपने शो करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज जीरो मैट्रिक्स,
और यहाँ पे जो आई है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो उसका ऑर्डर कितना होगा जितना ए का, ए का ऑर्डर कितना है 2 by 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 भी बोल सकते हैं, तो 1 0 0 1, ठीक है। तो हमने शो करना है ये वाला, तो हमारा पहला काम है जी ए स्क्वायर फाइंड करना। तो ए स्क्वायर दैट इज ए इंटू ए, और 3 1 -1 2, ध्यान से देखो जी 3 1 -1 2, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो कॉलम, तो 3 इंटू 3 1 इंटू -1, 3 इंटू 1 1 इंटू 2 और सेकेंड रो -3 2 1 -2 -1 1 2 2, और ये मेरे पास आ गया 8 5 -5 3। तो नाउ आप प्रूव करना चाहते हैं कि ए स्क्वायर -5a + 7i जो है वह जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर 8 5 -5 3, आगे क्या है -5 मल्टीप्लाई बाई ए। चले यहाँ पे ए पुट कर दें 3 1 -1 2, और आगे +7i, तो i मैंने यहाँ पे पाला 1 0 0 1, तो आप इसे सॉल्व करें, देखिए इधर 8 5 -5 3, हाँ जी आपने इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के बाहर एक स्केलर है तो स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 7 0 0 7, अब आपने इसे क्लब कर देना, सारे तीनों मैट्रिक्स को क्लब करना है, तो ये वाले एलिमेंट माइनस होंगे, ये वाले एलिमेंट प्लस होंगे, तो यहाँ पे 8 -15 + 7 5 -5 + 0 -5 + 5 + 0 3 -10 + 7, और आपके पास बचा 0 0 0, और इसे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा डार्क करके, डार्क करने का मतलब है दिस इज ज़ीरो मैट्रिक्स, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है नोट कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, आपको गिवन है इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, आपको गिवन है, तो आपने प्रूव करना है मतलब रिजल्ट निकालना है कि आई प्लस ए का क्यूब -7a, इन चार रिजल्ट दिए इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास है वही है आई प्लस ए होल पावर क्यू -7a, तो दिस इज आई, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई प्लस ए का क्यूब, तो आपको फार्मूला आता होगा ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब तो ये हमारे पास एक्सपेंशन होती है, तो ए दिस इज बी, तो यहाँ पे आ गया आई प्लस ए क्यूब प्लस 3a ए स्क्वायर और इंटू बी दैट इज ए प्लस 3a और आगे 7a एज इट इज। आप देखो आई क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करते जाओ, एक बार करो दो बार करो तो आपको आई ही मिलेगा, आगे प्लस ए क्यूब को का मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे 3i² दैट इज आई इंटू ए, आगे 3 into i ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ -7a, अगेन देखें आई ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, नेक्स्ट 3
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगी। सिमिलरली यहाँ पे थ्री आई डॉट ए मतलब आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आगे आगे आई अगेन ए स्क्वायर थ्री ए माइनस सेवन। नेक्स्ट आई ए थ्री ए सेवन ए, तो ये कितने जीरो क्या बच गया और कौन सा आंसर है सी। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो मैट्रिक्स चैप्टर था हमारा थर्ड वो फिनिश हुआ और कल आपका टेस्ट होगा।